हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज आप देखेंगे पीजी सेकंड सेमेस्टर सेशन 2017-19 सब्जेक्ट हिस्ट्री का पेपर 8th का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का। ओके, तो इसके पहले मैं पेपर 5th, 6th और 7th का क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये लास्ट पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का 8th पेपर। ओके, तो जैसे कि आपको पता है इस पेपर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मैं उसके सॉल्यूशन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आज का वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगी। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा एंड टोटल 20 मार्क्स का होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, लेकिन 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, लेकिन 28 दिसंबर इसमें कोई भी नहीं दिया है ऑप्शन, इसीलिए हम ज़्यादा नियरेस्ट वाला आंसर कर सकते हैं, यानी 16 दिसंबर 1885। ओके, किस वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आंसर होगा 2 नंबर, 1906 ईस्वी में। हिंदू महासभा किस वर्ष बना। आंसर होगा 1915 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई और 1915 में स्थापित हुआ। ओके, देख रहे हैं, बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। 1924 ईस्वी में। इंडियन नेशनलिज्म की रचना किसने की। रजनी पामदत्त, मृदुला मुखर्जी, निहार रंजन रे और एक ऑप्शन और है एस ए डांगे। तो मुझे इस क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो वैसे तो रजनी पामदत्त, ये डाउट है, लेकिन इसमें तो आपको अगर सही आंसर एग्जैक्ट कहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया टुडे के लेखक कौन है। आंसर होगा रजनी पामदत्ता। रजनी पामदत्ता इंडिया टुडे के लेखक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड फॉर्मड खुदाई खिदमतकार। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार का होगा इसका आंसर। खुदाई खिदमतकार की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों में से किसने की। तो इसमें से होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आई, निम्नलिखित में से किस घटना ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए विवश किया। आंसर होगा ए, 1, चौरी चौरा हत्याकांड। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो इसका आंसर होगा बम्बई में, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में यह घोषणा की गई कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होगा, जिसे आजकल वर्तमान में उस ग्वालियर टैंक मैदान को आजाद टैंक मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ओके, तो अब आते हैं पार्ट बी में टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। भारतीय राष्ट्रीयता के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवाद के उदय को संक्षिप्त में लिखिए। असहयोग आंदोलन के कौन कौन से कारण थे। क्वेश्चन नंबर 5, 1930 के पश्चात सांप्रदायिकता के अभ्युदय के बारे में लिखिए। किसान आंदोलन के विकास पर प्रकाश डालिए। 7, भारत विभाजन के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, नौसेना विद्रोह के कारणों को इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। ओके, अब हम आते हैं पार्ट सी, इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीयता के सामाजिक आर्थिक आधार की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेशी आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए। 14, श्रमिक आंदोलन के उदय के कारक तत्वों की विवेचना कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। ओके, तो इस तरह से टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और इसके और सारे वीडियो भी पीजी सेकेंड सेमेस्टर क्वेश्चन पीजी क्वेश्चन पेपर करके प्लेलिस्ट, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में अब जाएगा तो पीजी का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो उस प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। ओके, इस तरह से चारों पेपर अपलोड हो चुके हैं, आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ओके, बाय बाय।